नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुल कुमार, लैब टेक्नीशियन एमसीक्यू सीरीज लेकर के आया हूं, जो कि लैब टेक्नीशियन के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह सीरीज का दूसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप? ऑप्शन ए एबी निगेटिव, ऑप्शन बी एबी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ओ पॉजिटिव, ऑप्शन डी ओ निगेटिव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ए भी निगेटिव होगा, क्योंकि यह ब्लड ग्रुप काफ़ी कम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द वायरस कैन बी ग्रोथ इन लेबोरेटरी। ऑप्शन ए ब्लड अगर, ऑप्शन बी चॉकलेट अगर, ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ऑप्शन डी लिविंग सेल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लिविंग सेल्स ही होगा, क्योंकि वायरस जो हमेशा लिविंग सेल्स में ही ग्रोथ करता है। अगला क्वेश्चन है, द मीडिया यूज फॉर कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज। ऑप्शन ए लवेन जॉनसन मीडियम, ऑप्शन बी ओगावा मीडियम, ऑप्शन सी इग योक मीडियम, ऑप्शन डी ब्लड अगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एलजे मीडियम, यानी कि लवेन जॉनसन मीडियम होगा। अगला क्वेश्चन है, सी ए 15-3 ट्यूमर मार्क इज डन फॉर। ऑप्शन ए क्लोन कैंसर, ऑप्शन बी ओवरी कैंसर, ऑप्शन सी लंग कैंसर, ऑप्शन डी ब्रेस्ट कैंसर। सी ए 15-3 यह जो टेस्ट है किस लिए किया जाता है? तो यह ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रेस्ट कैंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडियल थिकनेस ऑफ कवर स्लिप कॉमनली यूज फॉर काउंटिंग चैम्बर इज। ऑप्शन ए 0.4 mm, ऑप्शन बी 0.5 mm, ऑप्शन सी 0.2 mm, ऑप्शन डी 0.1 mm। जो कवर स्लिप होता है मैकलर काउंटिंग चैम्बर का, न्यूवर काउंटिंग चैम्बर का, उसका थिकनेस लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 0.4 mm होगा। अगला क्वेश्चन है, द एंटीकोगुलेंट हेपाइरिन ड्राइव इट नेम फ्रॉम द ऑर्गेन। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी लंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लीवर होगा। हेपाइरिन जो है लीवर से ही निकलता है, यानी कि रिलीज होता है या बनता है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी डॉक्टर कॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विलियम हार्वे ही होगा। अगला क्वेश्चन, अर्लीस्ट मार्कर ऑफ कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। ऑप्शन ए LDH, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन, ऑप्शन सी AST, ऑप्शन डी CKMB। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ट्रोपोनिन होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म गिव ए पॉजिटिव रिजल्ट विथ ए नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। ऑप्शन ए एम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी एम बोबिस, इसका ऑप्शन सी एम लेपराई, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि एम ट्यूबरकुलोसिस होगा। अगला क्वेश्चन है, द कंप्लीट सपरेशन ऑफ यूरिन नोन एज। ऑप्शन ए ओलिगोयूरिया, ऑप्शन ई नॉक्टूरिया, ऑप्शन सी एनोरिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एनोरिया होगा। अगला क्वेश्चन, फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल बैक्टीरिया नीड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी CO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी CO2 होगा। सभी बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए कम मात्रा में CO2 की आवश्यकता होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ WBC। ऑप्शन ए टी सेल्स, ऑप्शन बी बी सेल्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन डी मेगा कैरियोट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मेगा कैरियोट्स होगा, क्योंकि यहाँ प्लेटलेट का निर्माण होता है,
टी सेल जो है ए डब्ल्यू बी सी में ही आता है, बी सेल भी डब्ल्यू बी सी में ही आता है, टी और बी दोनों प्लाज्मा सेल में ही आता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मेगा कैरियोट्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? ऑप्शन ए डेंगू फीवर, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी जीका वायरस इन्फेक्शन, ऑप्शन डी चिकनगुनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जीका वायरस इन्फेक्शन होगा, डेंगू होगा नहीं, फाइलेरिया होगा नहीं और चिकनगुनिया होगा नहीं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जीका वायरस इन्फेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट? ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 20 डेज, ऑप्शन सी 9 डेज, ऑप्शन डी 2 डेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 9 डेज होगा। यह क्वेश्चन ESIC लैब असिस्टेंट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि विटामिन के होगा। यह क्वेश्चन NCL में पूछा जा चुका है। चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू। We'll be right back.